हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं हॉस्टल दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहा था कि हॉस्टल दिखाने के लिए, तो दोस्तों आज वीडियो पे बने रहें, आपको हॉस्टल दिखाते हैं। हॉस्टल कैसा है और कितना बड़ा हॉस्टल है, यहाँ पर लड़के इसी हॉस्टल में रहते हैं जो आता है, तो चलिए दिखाते हैं। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो इसी हॉस्टल में आपको भी रहना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं हॉस्टल। आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड अहमदाबाद CSTI सेंटर का ये हॉस्टल है, LNT का। यहीं पर जो लड़के आते हैं इसी हॉस्टल में रहते हैं। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं हॉस्टल। दोस्तों ये हॉस्टल बहुत बड़ा है, इसी में बहुत सारे लड़के 300-400 लड़के हैं दोस्तों रहते हैं। अगर जो आप आना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए कि हॉस्टल कैसा है, ताकि आपको पता चल सके किस हॉस्टल में हमको रहना है और हॉस्टल कैसा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने वाले हैं, चलिए नज़दीक से दिखाते हैं हॉस्टल। हेलो दोस्तों, तो फ्रेंड हॉस्टल के नज़दीक आ गए हैं हम। अगर जो आप आएंगे तो इसी हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा। देखिए हॉस्टल का बोर्ड लगा हुआ है, देखिए 3:45 पे टी ब्रेक होता है, इसी में सभी दोस्त चाय पीते हैं। देखिए हॉस्टल ब्लॉग लिखा हुआ है, देखिए कितना ऊपर का है, 3 फ्लोर का यह हॉस्टल है। अंदर भी आपको लेकर चलेंगे दोस्तों। अंदर थोड़ा लाइट नहीं जलता है सुबह के टाइम, इसीलिए थोड़ा अंधेरा भी रहता है। देखिए इधर का रास्ता है, इधर से ही हम लोग जाते हैं प्रेयर करने, प्रेयर उधर होता है, मैंने वीडियो पे बना कर दिखाया है। यहाँ पर देखिए LT कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाचरवाड़ी। दोस्तों LT कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाचरवाड़ी हॉस्टल बिल्डिंग लर्नर टूर्बो लिमिटेड, देखिए बोर्ड लगा हुआ है। देखिए अंदर गेट है, इसी के रास्ते हम लोग अंदर जाते हैं। ये दोस्तों थोड़ा लाइट सुबह में नहीं जलता है, लाइट शाम को ही जलता है, थोड़ा अंधेरा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पे बोर्ड सब लगा हुआ है, कौन हॉस्टल का रूम कहाँ पर है इस बोर्ड में दर्शाया गया है। ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है, हमारे LNT CSTI सेंटर के चेयरमैन हैं, इनका नाम है AM मलिक। दोस्तों यहाँ पर सरस्वती माता का मूर्ति है, यहाँ पे लड़के पूजा भी करते हैं, यहाँ पे हमारे वार्डन रहते हैं, ये देख रेख करते हैं कि कौन लड़का कब आ रहा है और कब जा रहा है। तो दोस्तों आज आप सभी को हॉस्टल दिखाने के लिए मैंने सोचा है पूरा हॉस्टल दिखाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें और वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये देखिए इधर का रूम है, तो दोस्तों बहुत बड़ा हॉस्टल है। चलिए चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर। अब इधर देखिए, इधर कैंटीन है, एक कैंटीन का वीडियो अलग से बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। अब तो फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं, वहां का रूम देखते हैं कैसा है। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि हॉस्टल दिखाने के लिए, तो मैंने आज हॉस्टल दिखा रहा हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का बोर्ड लगा हुआ है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये सभी हमारे हॉस्टल का रूम है, यहाँ सब भाई लोग रहते हैं, सभी हमारे भाई लोग आते हैं, लड़की के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर पे यहाँ तो आए हुए हैं।
ये देखिए, ये भी दिखा देते हैं कैसा है। ये बाथरूम है हमारा, देखिए बहुत सारा है दोस्तों। ये तो ही पहला ही है, ऐसे ऐसे थर्ड फ्लोर पे है दोस्तों, थर्ड फ्लोर तक है, बहुत बड़ा हॉस्टल है दोस्तों। दोस्तों चलिए और दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए इधर का रूम है दोस्तों। अभी तो लाइट थोड़ा रात में ही जलता है, थोड़ा अंधेरा है फ्रेंड। उधर भी आपको दिखाते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, तभी आपको पता चलेगा यहाँ का हॉस्टल कैसा है। तो फ्रेंड अब मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम पंकज वर्मा है और मैं एनटी में 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पाया था दोस्तों। इधर लाइट तो रात में ही जलता है, इसीलिए थोड़ा अंधेरा है, तो थोड़ा आप लोग भी आज पूरा हॉस्टल आपको दिखाने वाले हैं। अगर जो आप आना चाहते हैं तो हॉस्टल देख लीजिए कैसा है। बाथरूम है दोस्तों, ये भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पर। नहाने का और सुविधा बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा बाथरूम है। चलिए और दिखाते हैं आपको दोस्तों। अभी तो सारा रूम बंद है, अभी लड़के सब ट्रेनिंग पे गए हैं, अभी 6 बजे छुट्टी होगा तभी आएंगे, इसीलिए रूम बंद है अभी सभी। फ्रेंड अब चले चलते हैं, दिखाते हैं आपको सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर कैसा है, देखिए आप सीढ़ी से आए हैं। देखिए यहाँ पे भी बाथरूम है सेकंड फ्लोर पे भी दोस्तों। हर एक फ्लोर पे बाथरूम और टॉयलेट है, ताकि लड़कों को सुविधा मिल सके अच्छे से, कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। देख लीजिए इसके लिए दिखा देते हैं। एक कूलर रखने वाला है यहाँ पर, यहाँ पे भी रखा है कि आग लग जाए तो इसको तुरंत आग बुझाया जाए। ये हमारा CO2 गैस है। बहुत सारा रूम है दोस्तों, अगर जो आप आना चाहते हैं एनडी से एल्टी सेंटर में तो आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोग को कुछ आइडिया तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ का हॉस्टल कैसा है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।